गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मेरे बालकनी में बहुत सारे फ्लावर्स निकले हुए थे, तो सोचा चलो दिन की शुरुआत इसी के साथ करते हैं। ये फ्लावर्स मेरे बालकनी के हैं और नेट के उस पार जो प्लांट्स है वो मेरे सोसाइटी का है। दोनों मिलकर बहुत अच्छा व्यू दे रहे हैं। छठ का पर्व अभी हाल में ही बीता है, तो मुझे आज वो छठ वाला प्रसाद खाने का मन कर रहा था। ठिकुआ और भुजिया होता है और भी कुछ कुछ बनता है, लेकिन मुझे ठिकुआ और भुजिया खाने का मन हो रहा था, तो मैंने आज वही बनाया। इसके लिए मैंने आटा में मोइन डाला था, उसमें फिर कुछ जैसे सौंफ और नारियल वगैरह डाल के इसको गुड़ से बनाया था। गुड़ को गर्म पानी में डाल के और फिर इससे आटा को तैयार किया था। जो ओरिजिनल प्रसाद होता है वो गुड़ से ही बनता है, मुझे ओरिजिनल प्रसाद ही खाना था तो मैंने आज वही बनाया। इस तरह से आटे का एक भुरभुरा और टाइट सा डो तैयार कर लेंगे और इसे ढककर थोड़ी देर के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद इसे ठिकुआ बनाएंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह आटे को बनाया था। ये न ज़्यादा टाइट है न ज़्यादा लूज, रोटी के आटे से ज़्यादा टाइट है थोड़ा। इसमें मोइना अच्छे से डाला हुआ है, इसलिए ये मैंने बिल्कुल अलग लगता है। अब इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट तोड़ कर इसको ओवल शेप में ऐसे हाथ से बना देंगे और तब एक सांचे, या फिर आपके पास सांचा ना हो तो वो जो गाजर घिसने वाला होता है उस पर डाल के आप एक ऐसे फ्लैट करके बना सकते हैं, या किसी और चीज़ पर डाल के फ्लैट बना सकते हैं। जो ओरिजिनल प्रसाद वाला ठेकुआ होता है वो गुड़ से ही बनता है, और मुझे गुड़ वाला, मतलब मुझे प्रसाद वाला स्वाद लाना था इसलिए मैंने गुड़ में ही बनाया है। ऐसे खाने के लिए चीनी डाल के भी बनाते हैं। ऐसे ऐसे करके मैंने सारे जो आटे थे उससे ऐसे बना लिया है। तेल मीडियम गरम होने पर इसमें ठेकुए को डाल दिया है और उसके बाद हीट को लो कर दिया है। इसे लो टू मीडियम हीट पे ही फ्राई करेंगे। अगर हीट ज़्यादा करेंगे तो ठेकुआ क्या होगा, ऊपर से जल जाएगा और अंदर कच्चा ही रह जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा थिक मोटा होता है, तो इसको थोड़ा पेशेंस के साथ धीरे धीरे फ्राई करना होता है। इसको उलट पुलट कर ऐसे दोनों तरफ से ब्राउन करके सेक लेंगे, मतलब तल लेंगे, और बहुत ज़्यादा इसको चलाएंगे नहीं तो ये टूट जाएगा, क्योंकि मोइना इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए जब तक ये तेल में होता है थोड़ा टूटने का चांस होता है। एक बार निकल कर ठंडा हो जाता है तो ये बिल्कुल अच्छा हो जाता है। यह ठेकुआ बहुत ही स्वादिष्ट बना था, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी। मैंने उस दिन कुछ भुजिया भी बनाए थे, कुछ तो केवल मावा वाले थे और कुछ में मैंने मावा और सूजी मिक्स करके बनाया था। इसकी रेसिपी अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं शेयर करूंगी। इस छठ पूजा में ये गुजिया और ठेकुआ के अलावा कुछ और भी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि खाजा, लेकिन मैंने उन सबको नहीं बनाया। पापा खेलने जा रहे हैं, बाबू के पापा खेलने जा रहे हैं क्लब हाउस, और बाबू का टेल खेल रहा। चलो चलो, हम लोग बालकनी से बाय करेंगे पापा को, नहीं विंडो से बाय करेंगे। ओके हाँ, चलो 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 चलो, डोर बंद करते हैं और हम लोग विंडो से बाय करेंगे पापा को। छोड़ दो छोड़ दो, हाँ फोन फोन।
बजे हैं आज तो पापा करो बाय करो बाय करो इतना से करो इतना हाँ बाय बाय चलो 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 विंडो से बाय करते हैं पापा को चलो चलो विंडो से बाय करते हैं विंडो से बाय करते हैं पापा को चलो 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 पापा जब शाम को खेलने जाते हैं तो छोटी डेडी विंडो और बालकनी से जाकर उनको बाय करती है विंडो से बाय करेंगे पापा को हाँ। अरे हाँ बाबू विंडो से पापा को बाय कर रही है ओपन करो ओपन करो ओपन करो ओपन करो दिखे क्या पापा पापा दिखे क्या बेटा दिखे पापा बाय बाबू विंडो से पापा को बाय कर रही है पापा दिखे नहीं दिखे पापा दिखे नहीं दिखे पापा विंडो से बाय कर रही है बाबू पापा को पापा दिखे ओ देखो बाय पापा बाय पापा दिखे 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 नीचे देखो 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 वहाँ पापा जा रहे हैं देखे 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 वहाँ देख ली ना पापा को चलो अब छोड़ दो चलो हो गया चलो बाय कर दी ना बाबू पापा को हाँ चलो विंडो से बाबा को बाय कर डेली बाय तो करती ही है विंडो से और साथ में ये भी प्रॉमिस करवा लेती है कि आने के बाद आप हमको लेके नीचे वॉक पे जाएंगे बाय तो हो गया लग रहा है नीचे बच्चे क्रैकर्स चला रहे हैं इसलिए इसको बहुत गुस्सा आ रहा है हो गया बाय कर दी आवाज कर रहा देखो तो फिर से कोई बदमाश बच्चा आ गया क्या देख लो क्रैकर्स कर रहा है देखो तो हाँ नहीं कर रहा है देखो देखो वो मिल गया वो देखो तो वही हाँ देखो वहाँ विंडो से देखो वही बच्चा था क्या वही बच्चा बदमाशी कर रहा था क्या वही बच्चा छोड़ दो अब उसको छोड़ दो आ जाओ मामा पास आ जाओ गुड गर्ल आ जाओ विंडो बंद कर देते हैं आ जाओ देख रही है नीचे बच्चा मेरा नीचे देख रही है विंडो से हाँ विंडो से फिर से कुछ देखना बाबा को फिर से कुछ देखना है क्या देख रहा है मेरा बच्चा आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें बाय